फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रीति। स्वागत है आपका मेरी किचन में। पहले हम क्या करेंगे, एक कढ़ाई ली है मैंने जिसको गैस पे रख दिया है। इसमें एक टेबलस्पून ऑयल लेंगे, तो ऑयल गरम हो गया है। हमने जो मेथी ली है सबसे पहले उसको सोते करेंगे, तो इस ऑयल में हम डाल देंगे। तरीके से पहले हम मेथी को जब सोते करेंगे तो इसका जो कड़वापन है वो कम हो जाएगा, इसका जो पानी है अंदर का कड़वा वो जल जाएगा, थोड़ी थोड़ी फ्राई हो जाएगी तो, और इसका टेस्ट अच्छा हो जाएगा। तो फुल फ्लेम पे ही इसको 2 मिनट के लिए हम इसको कर लेंगे। तो 2 मिनट हो गए इसको, अभी ही इसको हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी कढ़ाई को थोड़ा साफ करके, अभी मैंने कढ़ाई को साफ कर दिया नैपकिन पेपर से, इसी में मैंने जो घी लिया है ये डाल दूंगी। आप अगर सारा घी में भी बना सकते हैं या हाफ ऑयल और हाफ घी भी डाल सकते हैं। मैं इसमें 1 चम्मच ऑयल डाल दूंगी। ऑयल गर्म हो चुका है तो सबसे पहले इसमें क्या डालेंगे, हम अपना जीरा डाल देंगे। जीरा चटक गया, तेज पत्ता डाल देंगे, दालचीनी और इलायची। अभी इसमें हम प्याज डालेंगे। और इनको हम गोल्डन ब्राउन करेंगे। प्याज हल्की हल्की ब्राउन होने लगी, इसमें अभी हरी मिर्ची ऐड कर देंगे। और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है प्याज की, घी की और मेथी का तो कॉम्बिनेशन ही बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी सब्जी बनती है। थोड़ी थोड़ी सी हमारी जब हरी मिर्ची फ्राई हो जाएगी उसके बाद हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अभी मिर्ची भी फ्राई हो गई है तो अभी इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे। प्याज भी एकदम अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, फ्लेम एकदम लो कर देंगे और इसमें हम अपने मसाले ऐड करेंगे सूखे। तो ये हमने धनिया, मिर्ची, हल्दी और मिर्ची, और इनको मिक्स कर देंगे। 30 सेकंड के लिए पकने देंगे, फिर इसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे हल्का सा, ताकि मसाले हमारे अच्छे से पक जाए और जले भी ना। तो अभी ये धनिया अच्छे से पक गया है, इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे 3-4 चम्मच के लगभग, और इसको अच्छे से पकाएंगे। मसाले भी पक चुके हैं और ऑयल सेपरेट हो गया एकदम, इसमें अभी हम टमाटर प्यूरी डाल देंगे और इसको पकाएंगे अच्छे से, और नमक। जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए, टमाटर पक नहीं जाए, तब तक इसको मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। इसको हम ढक के 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे, ताकि टमाटर पक जाएंगे उसके बाद मटर ऐड करें। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, अभी मसाला चेक कर लेंगे। ये देखिए मसाला एकदम बढ़िया पक के तैयार हो गया है, ऑयल भी एकदम सेपरेट हो गया है। तो अभी इसमें हम मटर डाल देंगे। मैंने इनको पहले से हल्का हल्का बॉयल कर लिया है। अगर आप कच्ची मटर डालते हैं तो 10-12 मिनट में पक जाएगी, और अगर आप उबली हुई मटर डालते हैं तो 5-6 मिनट के लिए इसको हम पका लेंगे। तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी भी ऐड करूंगी ताकि मटर हमारी अच्छे से गल जाए। 1/2 कप के लगभग मैंने पानी डाला है इसमें, और इसको मिक्स कर दूंगी और ढक के 5 से 6 मिनट इसको पकने देंगे, वही मीडियम फ्लेम के ऊपर। तो अभी 5 मिनट हो गए, मटर को चेक कर लेंगे। तो मटर पक गई है, अभी इसमें हम मेथी ऐड करेंगे। इसको मिक्स कर लेंगे। बहुत सूखी, तो इसमें
इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करूंगी, थोड़ा सा, आधा कप के लगभग ही। आप पहले ही डाल लें, थोड़ी ज़्यादा सूखी हो गई थी तो इसलिए मैंने अभी बाद में डाला है। अब इसको मैं 5 मिनट और ढक दूंगी ताकि मेथी अच्छे से गल जाए, 5 से 8 मिनट के लिए, उसके बाद चेक। 5 मिनट हो गए, अभी चेक कर लेंगे। तो देखिए मेथी अच्छे से गल चुकी है। अभी इसमें मैं गरम मसाला और जो कसूरी मेथी ली है ये भी डाल दूंगी, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और इसको और 2-3 मिनट के लिए ढक के, मेथी डालने के बाद ओपन भी पका सकते हैं आप मीडियम फ्लेम पे। मैं इसको ढक दूंगी और 2 मिनट के लिए, उसके बाद इसको चेक करूँगी। तो अभी हम सब्जी को चेक कर लेंगे। 2 मिनट हो गए, अब इसमें फाइनली जिससे हमारी सब्जी एकदम रिच बनेगी वो डालते हैं इसमें मलाई। सबसे मेन इसका सामान है ये। और आप इसको मीडियम फ्लेम पे या तो लो या फिर बंद ही कर दें, तब डालें तो ज़्यादा बेटर है। और इसको मिक्स कर दें, मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है। और इसको मिक्स करने के बाद फिर फ्लेम ऑन कर दें। मलाई को अच्छे से मिक्स कर दिया है, अभी फ्लेम को ऑन कर दूंगी मीडियम करके और इसको थोड़ा सा और पकने दूंगी 2 मिनट। और फिर इसको हम धनिया से गार्निशिंग करके सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। सब्जी बन चुकी है, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, अभी इसमें हम सर्विंग। ये देखिए मेथी मटर मलाई हमारी बनके तैयार है, बहुत ही रिच सब्जी बनी है हमारी और बहुत ही टेस्टी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।